खबरें सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जल्द से जल्द पुतिन से मिल सकते हैं। कई अरब देशों में भी रूस के साथ बैठक की है। रूस के इस बयान से अब अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी चाहते हैं कि हमास और इसराइल के बीच जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जो गंदगी फैलानी थी वो फैला ली है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत लगातार ये कोशिश करता आया है कि इसराइल और खाड़ी देशों के बीच दोस्ती हो जाए। अगर मिडिल ईस्ट में शांति रहती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलता है। व्यापार मार्ग हो या फिर तेल का निर्यात, सब कुछ मिडिल ईस्ट से होकर ही जाता है। भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम एडवर्ड का भी समर्थन किया था, जिसके तहत इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती की पहल शुरू की गई थी। कुछ दिन पहले भी सऊदी अरब और इसराइल के बीच एक बड़ी डील भी होने वाली थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब सऊदी अरब ने इसराइल से बात करने से भी मना कर दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि भारत से यूरोप तक जाने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अब लटक जाएगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और इसराइल से होकर गुजरना था, लेकिन अमेरिका ने सब बर्बाद कर दिया।